दीपिका पादुकोण ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड न मिलने पर फैंस से मांगी माफी। शनिवार को मुंबई में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड में आलिया भट्ट ने बाजी मारी है। फिल्म राजी के लिए आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा नहीं था। दरअसल इस रेस में पद्मावत के लिए दीपिका पादुकोण भी थी, लेकिन वह आलिया से हार गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दीपिका के फैंस ने नाराजगी जाहिर की। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात का कड़ा विरोध हो रहा है। इस मामले पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर आयुष्मान खुराना और रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलकर दिया जा सकता है, तो ऐसा दीपिका पादुकोण और आलिया को भी एक साथ मिलकर पुरस्कार दिया जा सकता था। जिसके जवाब में दीपिका ने एक लंबा पोस्ट किया और हाथ जोड़कर अपने फैंस से माफी मांगी है। अवार्ड नहीं मिल पाने की वजह से दीपिका ने अपने फैंस से माफी मांगी है और वादा किया है कि वे आगे और भी मेहनत करेंगी। दरअसल दीपिका के एक फैन पेज ने उन्हें अवार्ड नहीं मिलने पर दुख जताया था। इस पर दीपिका ने कमेंट कर अपने फैंस से माफी मांगी। दीपिका इन दिनों मेघना गुलजार की फिल्म छपाक की शूटिंग शुरू कर दी है। सोमवार को उन्होंने फिल्म से अपना पहला लुक शेयर किया। फिल्म में वे एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में उनके साथ विक्रांत मेसी भी हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग आज से दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण मालती नामक महिला की भूमिका निभाने वाली है, जिसके जीवन में अनगिनत संघर्षों के बाद भी वे उनसे लड़ना जारी रखती है। इस फिल्म के माध्यम से दीपिका पादुकोण के बैनर के एंटरटेनमेंट की भी शुरुआत हो रही है। हॉट स्टार स्टूडियो के एंटरटेनमेंट और मृग फिल्म मिलकर इस फिल्म को बना रहे हैं। यह फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी।